अभी वो देखो सबसे ज्यादा मजे तो यही कर रहे हैं प्रीति भाई, स्टोरी पे स्टोरी डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा मजे कर रहे हैं ये। डैम क्या नजारा है गाइस, क्या नजारा है। डैम गोवा में सबसे पहली चीज जो आती है मैंने महसूस करी वो है इतनी गर्मी। मेरे पीछे लपड़ बग्गे पज्जे बज्जे थप्पड़ छटे हक्के बक्के। हेलो भाई, व्हाट इज अप, सभी लोगों का स्वागत है नए व्लॉग में। भाई अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है एंड मैं अपने मेन चैनल की वीडियो को भी शूट कर रहा हूं, साथ साथ मैं एडिट भी कर रहा हूं भाई। एंड आई डोंट नो भाई, शायद मैं कल या परसों गोवा चले जाऊंगा। आज मैं शायद मुंबई जा रहा था पर वो कैंसिल हो गया, तो मैं कल या परसों गोवा जाने वाला हूं गाइस। तो या अभी जल्दी से मैं चाय वाय बनाता हूँ एंड चाय नाश्ता करते हैं एंड फिर देखते हैं यार कि गोवा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, गोवा के लिए थोड़ा बहुत सामान जोड़ेंगे एंड फिर गोवा चलेंगे भाई सबके सब। मैं, आदर्श, प्रीतिश भैया, राहुल, अर्पण, हम सब लोग गोवा जाने वाले हैं भाई। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई, आगे वाले व्लॉग में तुम लोगों को सब लोग वापस देखने के लिए मिलेंगे। एंड भाई यार तो अभी जल्दी से जाके मैं नाश्ता वास्ता बना लेता हूँ अपने लिए, बाथरूम के अंदर से व्लॉग करूँ, कितना पापी इंसान हूँ मैं भाई। रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भाई, 2:50 एंड मेरे को 8 फ्लाइट में बैठना है, इसका मतलब मुझे 5 यहाँ से निकलना पड़ेगा। आदित्य भाई तो मस्त सो रहे हैं भाई, आदित्य भाई तो फुल रिलैक्स हो रखे हैं कि भाई अभी आराम से सोना है, सुबह आराम से जाऊंगा। बट मेरे को तो पूरी पैकिंग करनी है ना, मेरे को तो पूरा पैकिंग करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी अब पैकिंग करता हूँ एंड फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए। भाई तो बज गए भाई 6, ठीक है, मैं तो फुल तैयार होगा जैसे तुम देख सकते हो। ये देखो भाई, जूते पहन दिए, जैकेट पहन दिया, टी शर्ट पहन दी। ये विश्वास भाई तो सोए नहीं, पता नहीं क्या हो गया भाई, क्या हो गया, दिक्कत है। अबे इसने खुद ही से मना करा अपने आप से, एक्टिंग करवा लो इससे। अरे सब लोग तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, हम सब लोग चलते हैं अब कहाँ, एयरपोर्ट। भाई सब लोग कैब में बैठ गए, मैं ही नहीं बैठा, बस मैं यहाँ भारा भारा गिरती कर रहा हूँ। इन्होंने छोटी कैब मंगा दी, छोटी कैब नहीं मंगा दी प्रीतिश भाई। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं किधर, गोवा। आज से ठीक 1 पहले गए थे हम लोग गोवा एंड वापस अभी 1 बाद गोवा जा रहे हैं भाई। कैसा लग रहा है राहुल? मेरे को तो मजा अच्छा लग रहा है, मजा आएगा, ऐसा लग रहा है कि प्रीतिश भाई, प्रीतिश आपको कैसा लग रहा है वापस आराम से वापस गोवा जाके, कैसा लग रहा है? पिछले साल इसी टाइम पे हम लोग गोवा गए थे भाई, ऐसी बात है। एकदम फंटास्टिक। तो अभी हम लोगों ने चेक इन भी कर दिया कंप्लीट और सिक्योरिटी चेक जो भी होता है एंड हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं साइड में एंड वेट करें कि बोर्डिंग कब चालू हो। जैसे ही बोर्डिंग चालू होती है हम लोग बोर्डिंग करते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं गोवा। भीड़ भाई, मेरी सीट 27C एकदम पीछे है भाई, पता नहीं कितने जंतोजहद करके मुझे पहुँचना पड़ेगा पीछे। तो ये देखो, ये लॉबी है, ये हमारी चेयर, ये मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ, इसको ऐसे खोला था, आगे टेबल पीछे कभी ऐसी टेबल। ये देखो भाई यहाँ पे ये मेन्यू है, इसका मेन्यू अच्छा दिख रहा है, अच्छा देख लो भाई, 100 रुपये का है सब कुछ यार। तो तुम्हें उल्टी फल्टी हो रही है तो ये देखो, ये इसमें उल्टी कर लो, मेरे को तो होती रहती है उल्टी, तो उल्टी करने के लिए ये बैग ही दिया है। इसका लिखा है एयर सिकनेस बैग, कि अगर आपको ऐसे ऊपर जाके उल्टी आ रही है तो उल्टी कर दो भाई। अभी इनको देखो, तो सबसे ज़्यादा मजे तो यही कर रहे हैं प्रीति भाई, स्टोरी पे स्टोरी डाल रहे हैं सबसे ज़्यादा मजे कर रहे हैं ये। तो इनके POV से तो मैं दिखाता हूँ खिड़की का बाहर का नज़ारा एंड फिर हम पहुँचते हैं गोवा एंड मैं तो गोवा एयरपोर्ट में मिलता हूँ। तो भाई बिछड़ गए भाई मिल गए यहाँ पे एंड अभी हम लोग भाई सब लोग जा रहे हैं पेड पार्किंग में, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो रखी है जो कि हमें एयरपोर्ट से होटल लेके जाएगी। भाई थक गया भाई, मेरे को सोना है भाई, रात भर एडिट करी है। और हाँ भाई, अगर तुम लोग मेरी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो मेरे मेन चैनल पे भी एक वीडियो आई है जिसमें मैंने आकृति को 24 के लिए यस बोला है, ठीक है, हर चीज़ के लिए। और उसने मुझसे बहुत कुछ करवाया भाई, बहुत सारे पैसे खर्चवाए हैं मेरे एंड भाई मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कराया। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, तो वही वीडियो का तो जाकर ज़रूर देख कर आना, वाला वीडियो मस्त है एकदम सेक्सी, ठीक है। बाकी अभी हम लोग जाते हैं होटल जल्दी से, लेट्स गो। भाई गोवा में सबसे पहली चीज़ जो आती है मैंने महसूस करी वो है इतनी गर्मी भाई, पता नहीं चला गोवा में सर्दी का मौसम चल रहा है भाई, इतनी गर्मी है क्या ही बोलूँ भाई। एंड यहाँ पे हमारी कैब खड़ी हो रही है हमें लेने के लिए आ रही है यहाँ पे एंड जल्दी जल्दी इसमें सामान डालते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से जल्दी से एंड होटल में जाके भाई थोड़ा बहुत आराम करते हैं। तो ये देखो भाई सामान रख दिया डिग्गी में एंड अभी हम बस निकल रहे हैं यहाँ से फटाक से।
पे हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर होटल के। एंड भाई बाकी सब चीज़ें एक तरफ है, नुमान भाई की भाई ये देखो गोल्डन BMW खड़ी हो रखी है, इसमें भी आज हम लोग राइड करेंगे गोल्डन BMW में फुल ऑन। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर एंड जल्दी से हम लोग चेक इन करते हैं भाई, बहुत थक गया हूँ भाई मैं, जल्दी से चेक इन करता हूँ। एंड अभी भाई थोड़ा टाइम लगेगा रूम रेडी होने में, तब तक पानी पी लेते हैं। चल तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम कैसा है हमारा, आप जाओ वहाँ आईडी दे करो। देखो भाई ऐसी एंट्रेंस है पूरी एकदम प्यारी सी स्वीट सी, एंड यहाँ पे नारियल भाई, यहाँ पे असली नारियल लगे हुए हैं भाई, जेन्युइन मजाक से हटके देखो भाई साहब, भाई रियल नारियल लगे हुए हैं भाई, मतलब डैम भाई डैम, नारियल पानी पीऊँगा। 147 है अपना रूम का नंबर, तो ये देखो मेरे सामने मेरा रूम रहा, ये रहा 147। एंड अंदर चल के दिखाता हूँ तुम्हें, डैम भाई कितना प्यारा है भाई, यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा है, ये रहा बेड, ये पता नहीं कितना प्यार से वो पूरी वुडन टाइप की फिनिशिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये चाय पीने के लिए वो सब टीवी, एंड ये देखो ये आईना नंबर 1, ये आईना नंबर 2, एंड ये संडास है भाई, एंड आईना नंबर 3 भाई, मतलब प्रीटी श्योर बोलूँगा तो बहुत प्यारा सा रूम है, बहुत कोजी सा क्यूट सा रूम है भाई। हाँ हाँ हाँ, मतलब आई वुड से कि आई कैन स्पेंड 10-15-20 दिन यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। एंड ऊपर इतना प्यारा सा पंखा, सीलिंग देखो भाई, एंड पूरा रूम एकदम वैसा है लकड़ी लकड़ी का बना हुआ है पूरा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, एंड तो मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ भाई इन लोगों को, देखो लाइटिंग बहुत कोजी कोजी। एंड यहाँ से रूम से बाहर निकलोगे एंड ये देखो इतना सारा है सामने, एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे आते ही, जो मेरे को सबसे पहले नोटिस हुई वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो तुम बस ये देखो भाई, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, वहाँ पे स्विमिंग पूल है छोटा सा, एंड वहाँ देखो भाई पूरा बीच है, वहाँ पे तुम बैठ के बीच एंजॉय कर सकते हो भाई, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं भाई पानी के अंदर जाके भाई, मुझे तो डर लगता है पानी से खैर, बट पूरे एकदम बीच है। एंड भाई वहाँ पे पूरी सी है बहुत प्यारी सी, इनफैक्ट यहाँ पे देखो ये चढ़ने के लिए भी है, एंड यहाँ से भाई तुम एक बार नज़ारा देखो भाई, ओहो भाई साहब डैम क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है डैम। तो तुम मानोगे नहीं भाई, यहाँ पे ये बीच है इधर, एंड उधर पीछे जो है वहाँ पे मेरा होटल का रूम है भाई, तो देख लो कितना पास है यहाँ से बीच। एंड भाई यहाँ पे तो बहुत नज़ारे मस्त मस्त हैं गाइस, अच्छे अच्छे नज़ारे हैं पूरे देख लो। तो वाकई देखो अभी मैं यहाँ पे आया ही हूँ, तो थोड़ा बहुत आराम करता हूँ, एंड मेरे मेन चैनल पे वीडियो आई है, तो मेन चैनल पे वीडियो देख के देखो, सबके सब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ भाई, मैं थोड़ा आराम करता हूँ एंड फिर मैं निकलता हूँ, एंड बहुत सारी और चीज़ें करनी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, आई होप तुम्हें आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और ज़रूर से जाके मेरे मेन चैनल पे वीडियो देखना, एंड मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें मेन चैनल की वीडियो कैसी लगी। विद दैट आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, दिस इज योर सरकास्टिक मॉम साइनिंग आउट।